हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर एक स्टॉक से रिलेटेड जिसने ऑपरेटर्स ने उन स्टॉक्स की किस्मत बदल दी है, शेयर होल्डर्स की किस्मत बदल दी है और मल्टी बैगर रिटर्न 900 प्लस के रिटर्न विद इन 6 मंथ यहाँ पर मिलते हुए नजर आए हैं। कौन सा स्टॉक है, कंपनी करती क्या है, क्या हमें खरीदना चाहिए अब या नहीं खरीदना चाहिए, क्या हमें वेट करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, इन्हीं सभी सवालों से रिलेटेड हम यहाँ पर इस वीडियो को लेके आए हैं और जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कंपनी करती क्या है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है कि इस तरीके से ये शेयर भगाया गया है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज खुद स्टडी करनी है। इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करना है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरी वीडियोस को जाकर देखना है। देखने के लिए कोई ज्वाइनिंग बटन, कोई यहाँ पर फीस नहीं है, सिंपल वीडियोस को जाके देखिए, लाइक करिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, आपका क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड कि कंपनी करती क्या है। तो वो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीनर पे गए और स्क्रीनर पर जाने के बाद एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है जिसका नाम है क्वालिटी फार्मा। इस स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, 60 रुपए से इस तरीके से भगाया गया ये स्टॉक कि ये 700 रुपए तक भगाया गया, जैसे कि सॉरी 639 रुपीज तक भगाया गया है। हाई देखेंगे और लो देखेंगे 48 रुपए। तो 6 महीने के अंदर अंदर इस शेयर की किस्मत बदल दी है। अगर हम यहाँ पर देखें और ROC ROE तो देखिए काफी बेहतरीन ROC ROE है। पी की रेशियो की बात करें 42 का यहाँ पर पी है और यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो माइक्रो कैप कंपनी है 649 करोड़ की और कोई प्राइसिंग नहीं है। 67% का यहाँ पर डेट है। कंपनी करती क्या उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इज इंडियाज बेस्ड होल्ड कंपनी। ओके, इंडिया की कंपनी है। और अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन अगर बात करें मैन्युफैक्चर करता है और यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है किससे रिलेटेड, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स लिक्विड ओरल्स, ड्राई सिरप्स, टैबलेट्स, कैप्सूल, स्टरलाई पाउडर फॉर इंजेक्शंस, स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्टेबल्स, ऑइंटमेंट और एक्सटर्नल ऑपरेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS से रिलेटेड जो आपने नाम सुना होगा ORS का, तो इसी चीज से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एज वेल एज और भी बहुत सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो यहाँ पर आप चले जा सकते हैं। एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर जो हमने देखा ही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो में इनके 2000 प्लस ड्रग्स है। इट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स वगैरह और लिक्विड इंजेक्टेबल्स यहाँ पर ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा दे हैव आल्सो न्यू एडेड सच एज एंटी कैंसर ड्रग्स एंड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स ये बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्स ब्रेकअप की बात करें डोमेस्टिक से इनका अगर 2020 की बात करें तो 59 करोड़ रुपीज आते हुए दिखाई दिए, जो कि 2019 में यहाँ पर 81 करोड़ से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात करें जो 83% का एक्सपोर्ट 83 करोड़ रुपीज का था वो 78 करोड़ रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कंपनी हैज इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंट रिसोर्स ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स इन द बिल्डिंग ऑफ दिस बिजनेस एंड नाउ फोकसिंग द कमर्शियल एग्जीक्यूशन टू इंश्योर द फ्यूचर कैश फ्लो। यहाँ पर एक कंपनी के यहाँ पर क्या क्या चीज करने जा रही है उससे रिलेटेड है। प्लांट एंड कैपेसिटी की बात करिए यहाँ पर अमृतसर पंजाब में यहाँ पर है, एज वेल एज कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में इनके। इसके अलावा रेमडेसिविर जो कि आपको पता ही है अभी कोरोना में किस तरीके से यहाँ पर इसकी कालाबाजारी चल रही थी, तो ये भी कंपनी के इम्पोर्ट करती है, बनाती नहीं है, याद रखिएगा। रेमडेसिविर APIs एंड एक्सपोर्ट द फिनिश प्रोडक्ट्स टू 70 कस्टमर्स, 70 कस्टमर्स को यहाँ पर ये फिनिश प्रोडक्ट देती हुई दिखाई देती है। एंड has the capacity to produce 50,000 doses a day. Remdesivir is used in the treatment of COVID-19, but the firm has no legal rights to sell it in India. मतलब यहाँ पर इंडिया में इनके कोई लीगल राइट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इनकी जान नहीं सकते, इनकी वेबसाइट पे जाके ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, तो वही सब चीज यहाँ पर लिखी हुई होगी, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा नहीं होगा। यहाँ पर इनकी वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, इनके अबाउट में जाइए, फैसिलिटीज वगैरह में जाइए तो आपको कुछ आइडियाज यहाँ पर लगता हुआ आएगा। देखिए ये सभी चीज के रिलेटेड यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर दे रखा है। तो आइए एक बार इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो अगर हम चलते हैं इसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस, तो 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखिए 2020 में 161 रुपए के आसपास की रेंज में ये कंपनी शेयर दौड़ रहा था और 55 रुपए से इसने अप्रैल, यहाँ पर देखिए अप्रैल 2021 से जो इसने रैली बनाई है वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वो आपके सामने ही है। इसके अलावा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखिए, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट मतलब बुक वैल्यू, तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट, ये भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। CAGR की बात करें 57% का CAGR है जो कि काफी बेहतरीन है। यहाँ पर डेटर्स डे इनका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी हैज इंक्रीज, प्रोमोटर्स ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स है। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर कंसोलिडेटेड नहीं, स्टैंडअलोन यहाँ पर देने रखे। बट अगर हम बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की, तो ईयरली परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिए स्टैंडअलोन 37, 38, 62, 60 एक रेंज में यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे और फिर अचानक यहाँ पर देखिए 95, 137, 165, 130 और इस बार की जो सेल्स थी वो 261 होती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब कंसिस्टेंसी के साथ एक बार ग्रोथ हो रही है और जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 1-2 करोड़ रुपए का आ रहा था वो 15 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा कंसोलिडेट भी देख लेते हैं एक बार, तो कंसोलिडेट भी पता चलेगा कि वही सेम लगभग है। रिजर्व्स की बात करें 51 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें कंपनी के पास 41 करोड़ की बोरिंग है। बोरिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, छोटी कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बोरिंग वगैरह ये सब चीज बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें लगभग 6 करोड़ का कैश है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो देखिए इनका ROCE देखिए हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ROCE बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी शेयर्स का। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि इनके प्रोमोटर्स यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, 50.14 चल रहा था, यहाँ पर मार्च 2020 में 51 किया, उसके बाद यहाँ पर अभी बात करें मार्च 2021 में तो यहाँ पर 54 कर दिया, मतलब अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है 45, और 45 में भी अगर हम बात करें तो लगभग 20% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर चली जाती है, 28% की, लगभग 10-12% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास रहती है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। अब इसका ये चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर KPL के नाम से शेयर जाना जाता है। तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अपर सर्किट में ही यहाँ पर या फिर लोअर सर्किट में ही ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। लोअर सर्किट में नीचे आई और अपर सर्किट में ये 21 रुपए का स्टॉक अपर सर्किट में चलता हुआ नजर आ रहा है और हाईएस्ट एवर यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 4 रुपए यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस शेयर को आपको खरीदना चाहिए? देखिए वॉल्यूम अच्छे खासे है। ओके, अगर मैं RSI की बात करूँ तो 86 हाईएस्ट एवर यहाँ पर RSI में चल रहा है। और यहाँ पर देखिए ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको थंबनेल में ले बताया ही है कि यहाँ पर जो ये शेयर है देखिए अपर सर्किट में जा रहा है, लोअर सर्किट में जा रहा है, अपर सर्किट में जा रहा है, इस तरीके से एक शेयर खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस ना बहुत ज्यादा है। देखिए कंपनी का शेयर भाग रहा है, कंपनी परफॉर्मेंस करके दिखा रही है तो ऑब्वियसली बात है भागेगा ही। बट अगर हम बात करें इतना भाग जाना किसी भी शेयर के लिए और यहाँ पर तो वो एक अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कोई भी यहाँ पर FIs DIs तो यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर सिंपली आपको लोग ही नजर आ रहे हैं। और इस तरीके के शेयर को ऑपरेटर जब भगाते हैं तो इस तरीके के शेयर को यहाँ पर डंप भी करते हैं। तो यहाँ पर अभी नहीं, एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाए, एक बार देख लीजिए किस तरीके के इसके रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट के बाद यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिखाएगी आपको खुद पता चल जाएगा। कंपनी के रिजल्ट देखने काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे अगर हम तो देखिए यहाँ पर दे ही नहीं रखे क्वार्टरली रिजल्ट। क्यों नहीं दे रखे? आई थिंक यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इस वजह से नहीं दे रखे। बट कंपनी का ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस अच्छा है, पॉइंट्स इसके काफी सारे हैं जो पॉजिटिव है, 1-2 पॉइंट है। FIs DIs नहीं है तो ये नेगेटिव पॉइंट्स है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो शेयर है अपर सर्किट लोअर सर्किट में चल रहा है और ASM की लिस्ट में भी डेफिनेटली ये शेयर होगा, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इस शेयर को अवॉइड करने की कोशिश करें। ओके, और केवल BSE पे ही लिस्ट है और कहीं ये लिस्ट भी नहीं है। यहाँ पर एक बट इसको नजर वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा ताकि आपको इसके बारे में और भी जो बहुत सारी चीजें पता चलती रहे इस शेयर के रिलेटेड। और जब भी अगर खरीदने की भी कोशिश करें तो फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा। और दूसरी बात, ये शेयर को थोड़ा सा अगर नीचे आ जाने दीजिए, एक बार क्वार्टर के रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तो ये एक शेयर था जिसने एक मल्टी बैगर रिटर्न, अगर हम बात करें तो मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर देता हुआ नजर आया है। देखिए यहाँ पर 2021 की बात करें तो 2021 कहाँ पर है, मार्च से, तो यहाँ पर 50 रुपए का स्टॉक चलता था और 50 रुपए का ये स्टॉक्स कितने परसेंट के रिटर्न दे चुका है अगर मैं इसके लो से यहाँ पर ले लूँ सॉरी मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। तो इसके अगर लो से मैं आपको बताऊँ कि कितने परसेंट के रिटर्न दे चुका है, तो ये दे चुका है 1195% के रिटर्न, जो कि मल्टी बैगर रिटर्न माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो बट ऐसे स्टॉक्स नीचे भी उसी तरीके से आते हैं जिस तरीके से ये भागते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पर देखिएगा। बहुत सारे स्टॉक्स इस तरीके से भगाए जाते हैं ऑपरेटर के थ्रू, वो तो यहाँ पर निकल जाते हैं, बट यहाँ पर लोअर सर्किट लगा लगा के शेयर को बेचते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस एज वेल एज जिनके पास स्टॉक्स है उनके लिए मेरी राय, और जो यहाँ पर प्लानिंग करेंगे इसके बाद वो उस आप रिजल्ट देखने के बाद ही कुछ यहाँ पर डिसीजन लेना, बाकी यहाँ पर आपकी खुद की मर्जी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पे लाते रहें। इन्वेस्ट फॉर एवर को हमारे चैनल को, आपका खुद का चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, दूसरे के साथ शेयर करें, दूसरी वीडियोज को जाके देखिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।